भारत में जल्द हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेनें। सबसे पहले जिंद और सोनीपत के बीच शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा। सोमवार से खुलेंगे दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार। सीएम केजरीवाल ने कहा, कोविड प्रोटोकॉल्स का करें पालन, सरकार गरीब लोग और उनकी रोजी रोटी के लिए काफी चिंतित। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी। संघर्ष के बीच अमेरिकी वायुसेना ने तालिबानी ठिकानों पर बरसाए बम। 572 आतंकी मारे गए, 309 लोग घायल। चीन के वुहान में फिर उभर रहा कोरोना संक्रमण। वुहान में स्थानीय स्तर पर संक्रमण के 6 और बिना लक्षण के 15 मामले आए सामने। 1 करोड़ से अधिक नमूनों की गई जांच। वैक्सीन लगवा चुके विदेशी पर्यटकों को 9 अगस्त से दी जाएगी सऊदी अरब में एंट्री। उमरा की यात्रा के लिए लोगों को मिलेगी इजाजत। उमरा यात्रा की अर्जी के साथ अपना टीकाकरण सर्टिफिकेट भी देना होगा अनिवार्य। एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सोमवार शाम 5 बजे इंडिया वापस लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम भी होगी साथ। पूरे देश को बेसब्री से एथलेटिक्स का इंतजार। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा फिल्म मेकर लव रंजन की फिल्म के सेट पर बुरी तरह बीमार हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें वर्टिगो अटैक पड़ा था। फिलहाल हिंदुजा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो बेड रेस्ट पर हैं। अमिताभ बच्चन के घर में बम की अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। महानायक के घर पर हुई तलाशी, पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। पुलिस सूत्रों ने बताया, अमिताभ बच्चन के मुंबई में 4 बंगले हैं, पर फोन करने वाले ने कोई सटीक जानकारी नहीं दी थी, जिसके बाद लोकल पुलिस जुहू पुलिस को 4 बंगलों की जांच करनी पड़ी। रानी मुखर्जी जल्द ही अपनी आगामी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे की शूटिंग शुरू करेंगी। फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में रानी विदेश रवाना हो चुकी हैं। रानी आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म मर्दानी 2 में दिखाई दी थी। एक्ट्रेस लारा दत्ता ने खुलासा किया कि उनके पिता विंग कमांडर एलके दत्ता दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पर्सनल पायलट थे, इसीलिए उनका इंदिरा गांधी से अप्रत्यक्ष रूप से निजी जुड़ाव था। अक्षय कुमार की मच अवेटेड बेल बॉटम में लारा दत्ता इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आ रही हैं। सोनू सूद ने श्रीनगर में अचानक एक दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को चौंका दिया। शहर के बटमालू बाजार की एक गली में जाकर सोनू सूद शमी खान से बातचीत करने लगे, जो लगभग 1 दशक से जूते चप्पल बेचने का काम करते हैं। सोनू ने उनकी दुकान के सामान का प्रचार भी किया। राज कुंद्रा की आर्म्स प्राइम के तहत शर्लिन चोपड़ा ऐप पर वो इरोटिक सेमी न्यूड और न्यूड कंटेंट शूट करती थी। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा ने उन्हें खुद बताया था कि जेएल स्ट्रीम के साथ शिल्पा शेट्टी और शमिता शेट्टी भी जुड़े हैं और वो उनके वीडियो भी देखती थी।